ही रहा है यार, रोज सुबह हो जाती है। गुड मॉर्निंग जूजू। अरे गुड मॉर्निंग जीनी, गुड मॉर्निंग। आपकी चाय। अरे थैंक यू वेरी मच जूजू। वैसे ये बात गलत है। हाँ आप खुद बहुत आराम से सो जाते हैं लेकिन मुझे बिल्कुल भी सोने नहीं देते हैं। ए? मैंने तुम्हें कब सोने नहीं दिया? रात को और कब? क्या बात कर रही हो, मैं तो यहाँ सो रहा था तो मैंने तुम्हें कैसे सोने नहीं दिया? तो मैंने कब कहा आप होनोलुलु में सो रहे थे? अरे होनोलुलु हो या कोई भी लुलु हो लेकिन मैं तो यहाँ सो रहा था तो मैंने तुम्हें कैसे डिस्टर्ब किया मुझे बताओ, एक्सप्लेन। रात भर अब जब आप मेरे सपनों में आएंगे तो इस बेचारी प्रेम की दीवानी को कैसे नींद आएगी? हे भगवान। हे भगवान नहीं, हे भाग्यवान बोलिए जूजू। कल मैंने फिल्म में देखा था, हीरो अपनी हीरोइन से कहता है अजी सुनती हो। जूजू एक बार आप ही बोलिए ना, अजी सुनती हो। बस इतनी सी डिमांड है? अभी सुनो, अजी सुनती हो। चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मुझे चैन से चाय पीने दो। जूजू आप जब भी ऐसा बोलते हैं ना बहुत क्यूट लगते हैं। चाय तो क्या, आपके लिए नाश्ता भी रेडी है, आप फटाफट अपना नाश्ता कीजिए, मैं ऑफिस गई। अरे वाह भाग जिनी भाग, आज ऑफिस जाने के लिए बड़ी जल्दी है तुम्हें। क्या करूं जूजू, ऑफिस में वो तीखी मिर्च है ना, उसने इस नन्नी सी जान के ऊपर ढेर सारा काम लाद दिया है। ओहो मेरी नन्नी बच्ची, एक उपाय है मेरे पास। क्या? ऑफिस जाना छोड़ दो ताकि मेरी मासूम मोहब्बत पर डाका पड़ जाए। नहीं नहीं वो दो दो लुटेरे हैं ना वहाँ पे, एक वो तीखी मिर्च और वो चांद का टुकड़ा, आपको मैं उन दोनों के बीच में बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ूंगी। ठीक है बाबा मत छोड़ो लेकिन फिलहाल तो मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तैयार हो क्यों? अरे तैयार होने से याद आया, सुनो 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 सुनो, मुझे ना एक नई यूनिफॉर्म ला दो ना प्लीज। नई यूनिफॉर्म? वो क्या है ना मेरी यूनिफॉर्म में ना बाहर सूख रही थी, वो कबूतर भाई साहब आके सत्यानाश कर दिए। पता नहीं आजकल हमारे मोहल्ले में कबूतर कहाँ से आ गए। सो वन यूनिफॉर्म प्लीज। डोंट वरी जूजू, जब तक आपकी बुलबुल है आपको कबूतरों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। नई यूनिफॉर्म चाहिए ना? यो अभी हाजिर है। ये तो गर्मा गर्म है, इज इट फ्रॉम तंदूर? नहीं फ्रेश आयरन होकर आई है। अरे वाह। अच्छा मैं ऑफिस चलती हूँ। नई यूनिफॉर्म। हे नो नो, हे नहीं नहीं, हे नहीं 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 नहीं, हे श, हाँ, हे क्या, हे ये हट हट ये हट हट शो ये सब क्या है, ये क्या है, अरे ये हो क्या यार, व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है? अरे यार छाबड़ा की फिल्मों में तो सूखे पत्ते गिरते हैं, मेरे घर में कबूतर के पर गिर रहे। What is this? क्या है इस? है? है? इतना कुछ हो गया और मुझे पता तक नहीं चला, ये सब क्या है यार? पहले जिल लैंड, फिर मूल लैंड, अब कबूतर लैंड, ये हो क्या रहा है मेरे घर में? Oh my God! Oh, ये क्या हो गया यहाँ? क्या नहीं हुआ ये पूछो? अरे इतने सारे कबूतरों ने मेरे घर में हल्ला बोल दिया है, ये देखो क्या रायता फैला दिया उन्होंने, अब तुम ही बताओ ये सब साफ करने में पूरी शाम हो जाएगी ना? टेडी बेयर अब चिंता मत कीजिए, हम दो गेट चटकी में साफ कर देंगे। शाबाश मेरे हाउस कीपिंग, कर दो। अंडा भी गया? अरे वाह मेरे हाउस कीपिंग,
क्या सफाई की है। लेकिन एक बात कहूं बच्चों, पहले ना मुझे ऐसे लगता था कि कबूतरों का झुंड ना सिर्फ दादाजी के खेतों में जाता है, लेकिन ये तो आज मेरे घर में भी चले आए यार। व्हाट इज दिस? देखिए जीजू, जब आपके दादाजी के खेत में कबूतर आते थे तो वो क्या करते थे? क्या करते थे? वो मेरे दादाजी है, दादाजी और ठहरे गांव वाले। कबूतरों को भगाने का सॉलिड आइडिया था उनके पास। उस आइडिया का नाम है काक बगोड़ा। पकोड़ा? यम्मी यम्मी पकोड़ा। ये देखो इसको खा खा के खुद पकोड़ा हो गई है। पकोड़ा नहीं, काक बगोड़ा। वो क्या होता है? स्केयर क्रो। अगला सवाल भी मुझे पता है, वो भी क्या होता है? I'll explain. काक बगोड़ा is, कैसे समझाऊं? वो लोग क्या करते ना, खेतों में ना ऐसे एक पुतले को खड़ा करते थे, पुतला। उस पुतले को देख के पंछी तो क्या, कबूतर तो क्या, जानवर भी डर के मारे उसके करीब नहीं आते। पता है क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो एक आदमी है। That is काक बगोड़ा, समझी? बगोड़ा। काक बगोड़ा, काक बगोड़ा, काक बगोड़ा। ये देखो। कितना जीतना मैंने? ये देखो। अरे मेरा घर कम था, जो तुम लोग जाकर मेरे गार्डन को भी तहस नहस कर रहे हो। रुको, उधर रुको। चुन चुन के बदला लूंगा। मैं अभी आया, मैं भी आया। जीनस, टेडी बेयर बहुत परेशान है ना इन कबूतरों से। हाँ झुनझुन, क्यों ना हम अच्छा काम करें जिससे जीनी के जुजू को इन कबूतरों से छुटकारा दिलाए। वो कैसे जीनी है? मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा? अरे नादान कबूतरों, कान खोल के सुन लो, ये खन्ना हाउस है, खन्ना हाउस। यहाँ परिंदों को पर मारने की इजाजत नहीं है। दोबारा अगर यहाँ दिख गए ना, पर काट के उल्टा टांग दूंगा। बड़े झीट लोग है। हट 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 हट। चलो आज का अच्छा काम तो हो गया। हमने टेडी बेयर को काक बगोड़ा बना दिया और जीने के चुके डर से सारे कबूतर भाग जाएंगे और टेडी बेयर बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन जीनियस, घर तो नीट एंड क्लीन हो गया, लेकिन अब क्या करें? अब एक ही जगह जहाँ डेरा मस्ती कर सकते हैं। चतुर अंकल का घर? हाँ, चलो चलते हैं। हाँ। ये क्या हो गया? मैं हिल क्यों नहीं रहा हूँ? ये क्या मुझे आ गई? ये क्या? नॉट अगेन। अरे लोगों की तो सब किस्मत फूटती है, मेरी तो चकनाचूर हो गई। सब मेरी वजह से हुआ है। मेरे बच्चों को काक बगोड़ा के बारे में बताया था और उन्होंने मुझे ही बना दिया है। बच्चा जीनियस, झुनझुन। फूल के हाथ में गोभी का फूल। हेलो ब्यूटीफुल। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। दिख रहा है? हाउ स्वीट। तुम्हें ये गोभी का फूल दिख रहा है? कल को तुम्हें मेरा तरबूज जैसा दिल भी दिख जाएगा, और फिर मेरे तरबूज जैसे दिल में तुम्हें मेरा मौसम्बी जैसा प्यार भी दिख जाएगा। गुलाब का फूल तो कोई भी किसी भी हसीना को दे सकता है, लेकिन मैंने सोचा कि तुम जैसी सबसे हसी हसीना को गोभी के फूल से कम तो मैं क्या दूं। इसलिए माई लव, गोभी का ये फूल कर लो तुम कबूल। बेला, किसी लड़की को कैसे इंप्रेस किया जाता है, इसका तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है ना। ओए, तुम्हें ये गोभी का फूल अच्छा नहीं लगा? प्लीज बेला। छोड़ो छोड़ो, गोभी के फूल में क्या रखा है, वैसे भी इसमें कीड़े लगे हुए। ये देखो, ये देखो मेरे न्यू शूज। यू नो व्हाट, मैं दिल्ली गया था तो करोल बाग शॉपिंग करने चला गया। वहां मेरे एक ठेले पे ना ये लाल लाल जूते देखे, तो इन जूतों को देख के मुझे तुम्हारे ये लाल लाल गाल याद आ गए। तो मैंने झट से खरीद लिए, सोचा तुम इंप्रेस हो जाओगी। अच्छी है ना? यू नो व्हाट, जूते हो या तुम, वेला की पसंद लाजवाब है। अरे चलने में भी बहुत कंफर्टेबल है। सी, अब से जिसको भी वेला देखेगा यही सोचेगा कि उसके जूते उसी ने चुराए हैं। अब आएगा असली मजा, मैं चांद का टुकड़ा हूँ। हाय
लाल जूते किथे गए? और रूपा तूने चुराए? दिखा दिखा दिखा। ओए होए नहीं, तेरे पास नहीं है। और पिंकी तेरे पास? और मेरे लाल जूते किथे? ओए अब्बा मेरे जूते चोरी हो गए। ओए छपरी तूने मेरे जूते चुराए? जूते मेरे, जूते मेरे। अरे वेला सर आप क्या मजाक कर रहे हो, मैं आपकी शादी हूँ जो जूता चुराऊंगा। जूते ला पैसे दो। तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? तू सर के साथ मजाक कर, जूते दे मेरे, जूते दे मेरे। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अरे भगत ओए छपरी जूते दे, तू चुरा रही है मेरे जूते छपरी। क्या बात है, आजकल बड़ा काम हो रहा है। क्यों तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मुझे नहीं, प्रॉब्लम तुम्हें होने वाली है, क्योंकि तुम यहाँ बैठे बैठे फाइलों में खोई रहोगी और मैं वहाँ मोनों में खोई रहूंगी। मैं चांद का टुकड़ा हूँ। ओ चांद का टुकड़ा, देखा है कभी आईने में मुखड़ा? मेरे होते हुए तुम मेरे जूजू पर डोरे डालोगी? नॉट पॉसिबल। और हाँ रही बात इस काम की, वो तो मैं पलक झपका के ही कर दूंगी, देखना है? ये लो हो गया काम। तुम्हारा काम तो हो गया, अब जरा मैं अपना काम करती हूँ। मतलब इतनी में जल्दी क्या है? मतलब भी पता चल जाएगा और इरादा भी। मैं चांद का टुकड़ा हूँ। अरे आपको शर्म नहीं आती मेरे जूते चुराते हुए? डॉक्टर कम ऑन। अरे कैप्टन वेला आई शू बोलेज, मैंने तुम्हारे जूते नहीं चुराए। फिर से झूठ? अरे चुल्लू भर कब से मैं डूब मरी है, जूते निकाल दिया। अरे अरे मेरे जूते। जब तक मेरे जूते वापस नहीं करोगे मैं आपका जूता वापस नहीं करूंगा। यस जूता मिला कैप्टन वेला, मेरा जूता कैप्टन वेला। मे आई कम इन मैम? यस मैम, मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया, यू कैन चेक। वाओ मूनी इतनी जल्दी। मैम एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो मूनी। रहने दीजिए मैम, वरना आपको लगेगा कि मैं इधर की बात उधर करती हूँ। आप तो मेरी हैबिट जानते हैं, मैं कभी इधर की उधर नहीं करती, नेवर। कम ऑन मूनी बताओ ना बात क्या है। मैम वो जीनी है ना? जीनी? जीनी को क्या हुआ? नहीं नहीं जीनी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी वजह से कुछ ऐसा ना हो जाए जो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं हो जाए, क्या नहीं होना चाहिए, साफ साफ बोलो कि बात क्या है। एक्चुअली मैम आपने शायद गौर ना किया हो, लेकिन ये जो जीनी है ना, ये हर वक्त विकी सर के कैबिन में घुसने के नए नए बहाने ढूंढती रहती है और हर दम उनके आस पास मंडराती रहती है। मैंने कई बार गौर किया है और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ मुझे भी पसंद नहीं है, तभी तो मैंने सोचा कि मैं आपको आके ये बात बता दूं। आप तो जानती हैं मैम कि विकी सर कितने इनोसेंट हैं, कितने शरीफ हैं, कितने कितने डिसेंट हैं। आई नो। और वो लड़की कितनी चालाक है। मुनी तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर मैं ऐसा क्या करूं कि वो जीनी मेरे भोले भाले स्वीटी पाई से दूर रहे। मैम उसे अपने करीब ले आइए। तो मतलब? मतलब आप उसे हर वक्त अपने कैबिन में अपनी नजरों के सामने रखिए, उसे इतना सारा काम दे दीजिए कि वो आपका कैबिन छोड़ के कभी जाए ही नहीं, और उसे बोलिए कि यही इसी कैबिन में आपके सामने बैठ के वो सारा काम कंप्लीट करे, बस फिर उसे विकी सर के पास जाने का कोई बहाना ही नहीं मिलेगा। वाओ मूनी क्या आइडिया है। आई नो आई एम ब्रिलियंट मैम। वन सेकेंड। हेलो जीनी, हाँ जरा मेरे कैबिन में आना और वो सारी फाइल्स लेकर आना जो मैंने तुम्हें दी थी। वेल डन मूनी। ओह यू वेलकम मैम। लेकिन मैम याद रहे यू नो वो कितनी, तो उसे नहीं पता चलना चाहिए। डोंट वरी मूनी, ये बात किसी को नहीं पता चलेगी। मैम मैं कम इन? यस कम इन। मैम जीनी यहाँ मेरे सामने बैठ के सारी फाइल्स मेरे सामने कंप्लीट करो। अब मैम फाइल्स कंप्लीट है। रियली? जरा देखू तो। हाँ
ट्रबिश चीनी, तुमने कुछ नहीं किया हुआ है। ये सारी फाइल वैसी की वैसी है। मतलब एक तो तुम अनप्रोफेशनल हो और ऊपर से तुम झूठ भी बोल रही हो। ओह माय गॉड। चीनी, आज से तुम मेरे कैबिन में मेरे सामने बैठ के अपना काम करोगी। गॉट इट? ब्रिलियंट। गेट स्टार्टेड। आंटी ने तो कहा था कि चतुर अंकल नीचे वाले रूम में साफ सफाई करने वाले, लेकिन ये तो यहाँ पे आराम से बैठे हैं। अरे बैठो, को उठाना तो हमारा काम है। वो कैसे? अरे किधर गया? ऐ देखो, ऐ अरे अरे क्या होते नहीं? अरे अरे ऐ डायरी, अच्छे डायरी उड़ गया मैंने। ऐ तुमको पढ़ना है। खुशी हो रहा है, अपने आप हो रहा है, डायरी भी हो रहा है। अरे लगता है हमारा बेसमेंट में भी भूत आ गया है। ए लड़के, कम हियर। अब मैं समझा, ये कुर्सी अपने आप कैनो हिलचे, ये डायरी अपने आप कैनो उड़चे, ये सब तुम दोनों भूत लड़कियों का रोस्तानी है मेरी। ये आप क्या कह रहे हैं चतुर अंकल? चतुर अंकल अगेन, हम दोनों तो मासूम बच्चियां हैं ना। ना कमी कोड़ने का जगह नहीं मिला है। तुम दोनों मासूम बच्ची नहीं, आप हो की चाची है मेरी। की हाल हाल करता है अगेन? तुम हमको बोला हॉल में झाड़ू नहीं मारेगा, बेसमेंट सब करेगा है। और देखो तुम इधर कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ आराम कर रहे। देखो सब कुछ ऐसे कैसे गंदा है, कम चोर कहीं का ना। दुकान नॉट कम चोर, यहाँ तो बहुत कम होच्छे मेरी। की कम यार का हम इधर बेसमेंट में काम ही कर रहे थे। अच्छा, कि अचानक ए मिला। ए क्या है? डायरी है। डायरी नहीं, रद्दी है ना। ए बड़ा पुराना डायरी है। अच्छा, किसको? इस घर के पुराने मालिक ने लिखा है मेरी। और इसमें जानते हैं क्या लिखा है? नहीं। लिखा है कि हमारा घर के गार्डन में एक ठो पुराना पेड़ है और उस पेड़ के नीचे खजाना दबा हुआ है। अब सोचो अगर वो खजाना हम दोनों को मिल जाए तो। तुम्हारा माथा है, जब भी देखो अबुल तबुल बात करता है, अबुल तबुल काम करता है, अबुल तबुल सोचता है। अरे हमारा घर के गार्डन में किधर है पुराना पेड़? अरे अरे इसमें लिखा है ना मेरी। ओफो चतुर, अरे हमारा घर का गार्डन में नहीं, भीकी की घर का गार्डन में पुराना पेड़ है मेरी। अरे समझता है मेरी। देखो जितना पुराना ये डायरी है, जब इसमें वो लिखा गया होगा तब निश्चय हमारा घर और भक्के बाबू का घर के बीच के दीवार नहीं होंगे। तब तो वो पेड़ हमारे घर का हिस्सा हुए ना। बस अब हम जाके वो खजाना ढूंढ के आते हैं। चतुर अंकल, हम भी आपके साथ आए। आपके बारे नहीं, तुम दोनों किधर नहीं जाएंगे। तुम्हें चतुर कुठा डालो, तुम्हें चतुर अंकल का चक्कर में ना घन चक्कर नहीं बांधना। बाहर कितना धूप है, तुम दोनों इधर ही रहो, हम लोग ना एक ठो नया गेम खेलेंगे। चलो 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 चलो।
मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं काग भगोड़ा बन जाऊंगा। लोग अभी तक अच्छा बनने की सोचते हैं, शाहरुख की सोचते हैं, काग भगोड़ा की थोड़ी। मेरी जीनी आएगी, मुझे नॉर्मल करेगी, मैं नहीं रोऊंगा। मैं क्यों रो? आने दो, हे भगवान, जल्दी से जीनी को भेज दो।